जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक पेपर को रिव्यू करेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड के पेपर चल रहे हैं, ठीक है। जनवरी 2024 में एक लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ, उसी हम पेपर को रिव्यू करेंगे। पहले पेपर को शिक्षा का दार्शनिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर वन, जो 2024 में पेपर हुआ था, उसको हम रिव्यू करेंगे। दोस्तों सेशन की बात करें तो ये सेशन 2023-25 का है, 23-25 फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपका जनवरी 2024 में हुआ था, ठीक है। 27 जनवरी को यह पेपर हुआ था। आइए ज़रा देखते हैं सवाल कैसे पूछे गए थे, पेपर पैटर्न क्या था, क्या लेवल था सवाल का और कैसा रहा था पेपर, ये सब भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों एज़ यूजुअल आप सबको पता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बीएड का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा यूनिक है। थोड़ा सा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा सरल है। वो सरल क्या है दोस्तों, कि आपको किन्हीं पांच सवालों के जवाब देने होते हैं, किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और 10 प्रश्न होते हैं। टोटल 80 नंबर का होता है और 80 नंबर को अगर हम 5 सवाल आपके करने होंगे तो हर एक सवाल 16 नंबर का होता है, ठीक है। बहुत अच्छा। शिक्षा का दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य विषय का नाम है। पहला सवाल आपसे पूछा था दोस्तों, शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डेफिनेशंस। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करिए। तो विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर आपने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कर दिया होगा, जो भी आपके महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन तरीके जो भी परिभाषाएँ थे उस आधार पर आपने शिक्षा के अर्थ को यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर दिया होगा। शिक्षा के व्यापक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, जो भी आपने पढ़ा था, मैंने एक ही वीडियो में सारा कराया था, आपने उसको भर दिया होगा बहुत ही आसानी से। यह सवाल तो सब ने किया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। दूसरा सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय एकता क्या है, इसके आवश्यक एवं महत्व को स्पष्ट करिए। यह ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि चाहे बच्चा पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन को सबने किया होगा। हम बचपन से इस पे एस्से लिखते आते हैं, बचपन से इसे पढ़ते समझते आते हैं, तो ये सवाल आप सबने किया होगा। समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट के बारे में, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी अच्छा सवाल था, महत्वपूर्ण सवाल था, ऐसा सवाल था कि जो कि हर साल पूछा जाता है, समावेशी शिक्षा, ठीक है, आप सबने कर लिया होगा। डिस्क्राइब इस चैलेंजेस इन क्लासरूम, क्या शिक्षण में इस चुनौतियों का वर्णन करिए, शिक्षण के दौरान क्या क्या चुनौतियाँ आती है इंक्लूसिव एजुकेशन में, उसका यहाँ पे वर्णन करना था। बहुत ही अच्छा सवाल था, मैं आशा करता हूँ कि आपने किया होगा। हाँ, साथ ही साथ बताते चलिए कि आपने कौन कौन सा सवाल किया था, क्योंकि 5 ही करने थे, 10 आपके पास सवाल थे, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये 3 के 3 सवाल सबने किया होगा। शिक्षा का अर्थ, राष्ट्रीय एकाकीकरण और समावेशी शिक्षा, एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और नेशनल इंटीग्रेशन, 3 तो बहुत साधारण से सवाल थे, आपने ज़रूर इसको कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आदर्शवाद का वर्तमान सामाजिक संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था और आदर्शवाद का वर्तमान सामाजिक संदर्भ में मूल्यांकन करना था, मतलब वर्तमान समय में आदर्शवाद के जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी उद्देश्य है, वो वर्तमान समय में कितना रिलेवेंट है, कितना मतलब रिलेवेंट है का मतलब क्या कहते हैं हिंदी में, एक वर्ड होता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, कि वर्तमान संदर्भ में कितना उसका मतलब क्या ही कहते हैं यार इसको, कितनी ज़रूरी है, कितनी हो सकता है, कितना महत्व है, कि वर्तमान समय में वो कितना रिलेवेंट है, ये आपसे लिखना था। और अगला सवाल था, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, ये तो बहुत अच्छा सवाल था, आपसे कई बार कहा भी गया था कि फिलोसफी और एजुकेशन, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसके बारे में डिस्कस द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, शिक्षा और दर्शन को इनका रिलेशन बताइए और इस स्टेटमेंट को बताइए कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसके बारे में बताना था। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए तथा शिक्षा एवं दर्शन के संबंधों की व्याख्या करिए। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डिस्क्राइब इन डिटेल, भारतीय समाज का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तृत विवेचना करिए। ये भी अच्छा सवाल था, मतलब समाज से पूछा गया था कि समाज, देखिए ये सवाल ऐसा था, थोड़ा सा शब्दों को बदला गया था, मतलब समाज से बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, बस इतना सा था। अब इसी में पूछ लिया गया था कि कैसे उसको बेहतर बनाता है, कैसे उसकी मदद करता है, समाज कितना योगदान देता है शिक्षा में, यही आपसे पूछना था, यही आपको लिखना था, भारतीय समाज का बालक के विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अच्छा सवाल था। डिस्कस द सोशल चेंजेस एंड इट्स रिलेशन विद एजुकेशन, सामाजिक परिवर्तन और इसके शिक्षा के संबंध का वर्णन करना था। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल था।
भारत में विविधता में एकता का सब उदाहरण दीजिए, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बताना था और एक्सप्लेन द मीन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, कुछ अच्छे उदाहरणों के साथ इसको बताना था। तो ये भी बिल्कुल यूँ समझिए, कुछ आप जो ऐसे लिखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसका संबंधित सवाल था। बढ़िया सवाल, हम इसे भी कहेंगे। दो सवाल और जो कि काफ़ी अच्छे से, और वो सवाल ऐसे हैं जो कि कॉमन है, हर साल रिपीटेड पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे गए थे, आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। अब जो दो सवाल है दोस्तों, अच्छे सवाल है, ऐसे सवाल है जो कि हर साल रिपीटेड पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे गए थे, मैं आशा करता हूँ आपने बहुत ही आसानी से इसको कर लिया होगा। सवाल क्या है, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का विस्तृत विवेचना करिए। संस्कृति और शिक्षा का संबंध, बहुत ही अच्छा सवाल, संस्कृति और शिक्षा। हालांकि जो 10 सवाल है, 10 में से 5 बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण थे, इसको आपने बहुत। इसमें पहला है दोस्तों, शिक्षा का क्या अभिप्राय है, शिक्षा की अर्थ और परिभाषा की बात करें। दूसरा है दोस्तों, शिक्षा के राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण की। और हम तीसरी बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन की। चौथा बात करें तो आइडियलिज्म की। इस तरीके से जो 4 सवाल है बहुत ही आसान है, मोस्टली रिपीटेड सवाल है। और अगर हम ये एक सवाल इस चीज़ को देख लें कि भारत के विविधता में एकता, आपको देख लें कि भारत में विविधता में एकता, ऐसे सवाल है जो कि आपने अक्सर एसे के तौर पर इसको लिखा होगा। तो सवाल दोस्तों अच्छे थे, पेपर बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे। पैटर्न होता है जो मोस्टली रिपीटेड सवाल है उसको हमने यहाँ पे देखने को मिला आपके पेपर में। सिमिलरली आपका जो तीसरा भी पेपर होगा वो भी इसी से रिलेटेड होगा। अगर आपने तीसरा पेपर पढ़ना है, एक वीडियो में कंप्लीट आपका तीसरा पेपर ICT को एक्सप्लेन किया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कमेंट का पहला भी लिंक मिलेगा, एक बार उसको जरूर विजिट करिएगा। तीसरा सब्जेक्ट आपका ICT कंप्लीट एक ही वीडियो में से आने वाला है, लिखिएगा जब पेपर देके आएगा कंप्लीट उसी में से आएगा। चलिए इस वीडियो में यही समाप्त करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में बता दीजिए कि आपने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा, कौन सा क्वेश्चन किया था, 5 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए थे उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। बाकी दोस्तों बातें होती रहेंगी, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए। चैनल से जुड़े रहिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा सहयोग करिए, थोड़ा साथ दीजिए, एक दिन इस चैनल को और हम बेहतर बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे। और आने वाले सेमेस्टर में आपका ईच एंड एवरी क्लास यहाँ पे किया जाएगा, हर एक सवाल, हर एक यूनिट आपके लिए पढ़ाया जाएगा। आप बस चैनल से जुड़े रहिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में आपके आने किसी दूसरे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। Thank you.